पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची युवती ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला मनगवा थाना क्षेत्र के मड़ी गांव का है, जहां की रहने वाली युवती ने गांव के ही राजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति पर छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि मारपीट करने वाला उसके साथ छेड़छाड़ किया, विरोध करने पर मारपीट किया, जहां उसके शरीर में गंभीर चोट आई थी। घटना के बाद उसे एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस ने छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज करने की बजाय पिता ने कहा कि जो उसने पुलिस को बताया वह स्थानीय पुलिस नहीं दर्ज किया बल्कि साधारण धाराएं लगा दी। अब वह पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक शिकायत की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आरोपी लगातार उसे धमकी दे रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता ने किस तरह से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, हमारे साथ मारपीट हुई थी, तो हम वहाँ थाने पे रिपोर्ट कराने गए थे, तो वो लोग हमको बोल रहे थे कि जाओ बाहर जाओ बैठो, और मतलब बस रुकी की है हमारी ये गंगियों मड़ी, तो सर वहाँ पे हमारी बात नहीं सुन रहे थे और ऐसे ही धारा लगा दिए, जबकि हम हमारे साथ आदमी हमला किया था, गांव का है। हेलो, तो जो हमला किया वो गांव का है, राजेंद्र सिंह नाम है आदमी है। वो अकेले मारा था हमको, अकेले हमारे साथ छेड़छाड़ किया, फिर जब मैं हल्ला करने लगी तो मारने लगा। शिकायत गंगेयो चौकी गए थे, एम्बुलेंस से गए थे सर, हालत खराब थी, बहुत ज्यादा मार दिया था, फिर उसकी बेबी भी आई वो भी मारने लगी थी। तो सर कारण नहीं पता है, विवाद था। एक बार वो हम लोग को शराब पी के गाली दिया था हमारे घर पे घुस के, तो हमारी मम्मी लोग को बताया हम लोग, तो बोले कि वो उसके घर अब ना जाना, ना उससे कोई मतलब रखेंगे, शराब पी के गाली हमेशा देता है। तो सर एक बार वो हमको और रगेदा था मारने के लिए, छोटी थी मैं उस टाइम पे कुछ, तो फिर हम लोग उस समय से ये सब गलत करता था, तो हम लोग नहीं रखते थे उससे। फिर वही वहाँ पे गए तो वहाँ हम लोग को सुने नहीं, वहाँ के लोग पहले ही पहुँच गए थे चौकी, फिर वहाँ पे सुने नहीं, और फिर हम लोग को डांट रहे थे, बोले बाहर चले जाओ मैडम को। फिर मैं दूसरे दिन बताई कि मैम इसमें जो लिखा है वो हमारे हमसे पूछ के नहीं लिखा गया है, तो मैम बोली कि तुम्हारे कहने से नहीं होगा, कि तुम बोलोगी कि हमारे शरीर में छुआ उसने ऐसा मारा, वो सब नहीं होगा, धारा बनाई गई है, धारा हमने बना दिया है मैम। वही अरे सर वहीं की हैं, वो थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी जी सर। शिकायत सर हम यहाँ कर चुके हैं, एसपी सर को आवेदन दिए, हमको जब पता चला कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, पुलिस हमारे साथ धोखा की है, तो फिर हम एसपी सर को आवेदन दिए, उनके बगले पे गए उसी दिन संडे को, फिर यहाँ अभी आ जाए हम, और वहाँ हम चौकी में भी बताया कि आप लोग हमारे साथ धोखा किए हैं, तो वो लोग कोई सुनने को तैयार ही नहीं थे, बोले तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। रही और वो पहले वही बस हमारे साथ था, फिर हमारे मम्मी को और भाई को इसको कोई बताया, तब फिर ये लोग आए, तब तक में वो भाग दिया था। हाँ इसको फिर वो ये लोग हमको देखने लग गए, तो वो आया तो सिर में इसके डंडा मार दिया। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।